दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आईपीएल साल 2023 में काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। और दोस्तों वैसे बता दें कि आरसीबी की वुमेन्स टीम भी बाहर हो चुकी है, वैसे तो गुजरात की भी बाहर हो चुकी है, बट आरसीबी बाहर हुई काफी मजा आ गया है। सो अब बात कर लेते हैं यार टीम केकेआर की तरफ से, जो भी दिनभर में टॉप अपडेट्स निकल कर आई है तो क्या फायदा क्या नुकसान केकेआर को होने वाला है। सो टॉप अपडेट्स में सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वेलकम नाइट्स को लेकर। सो दोस्तों धीरे धीरे आपको सभी कोचेस के थ्रू जो कोचेस हैं वो सब तो आई गए हैं, धीरे धीरे आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज केकेआर की पोस्टिंग हमारी स्टोरीज जो इंस्टाग्राम पर हम डालते हैं या टेलीग्राम सब जगह से अपडेट्स आ ही चुके होंगे कौन कौन से प्लेयर आ चुके हैं। तो कुछ के पोस्ट यहाँ पर केकेआर ऑलरेडी डाल चुका है, कुछ के डाल रहा होगा या कुछ के डालने वाला होगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कौन कौन आ गया है। सभी कोचेज आ गए हैं जिसमें से मेजर कोचेज के नाम ले लेते हैं, ओमकार सालवी, अभिषेक नायर, चंद्रकांत पंडित, भरत अरुण। अब दोस्तों कोई और बच गया हो तो कोचिंग स्टाफ तो पूरा आ गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लेयर्स में कौन कौन आ गया है। मनदीप सिंह, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, अनुकुल रॉय, नारायण जगदीशन। आई होप यहाँ पर एक दो प्लेयर कुछ ही प्लेयर्स होंगे जो अब इंडिया के अंदर बच गए होंगे, जैसे कुलवंत खेजरोलिया है, सुयश शर्मा है। तो होपफुली ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है वो तब तक पहुंच चुके हो, यानी दोस्तों जो आज का दिन होने वाला है ना उसके अंदर सभी टीम के क्या ऑलमोस्ट सभी प्लेयर आ जाएंगे। शार्दुल ठाकुर को लेकर जो भी अपडेट है हम आपको रिसेंटली दे देंगे। तो लेट्स सी दोस्तों ये प्लेयर्स तो आ चुके हैं, अब ये रेस्ट कितना करते हैं, कितना प्रैक्टिस कैंप में जमकर पसीना बहाते हैं और उस पसीने उस मेहनत को वो यहां पर पहले ही मुकाबले में किस से दिखा पाते हैं। सो जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बता दो क्या आपको लगता है टीम केकेआर एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर प्लानिंग के साथ उतर पाएगी अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते अपने कप्तान के बिना पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। अगली अपडेट निकल कर आ रही है केकेआर टिकट्स को लेकर। सो यार काफी सारे लोगों ने डीएम्स किया कि क्या केकेआर की टिकट्स यहां पर साइट पर अवेलेबल होगी, केकेआर की या आईपीएल की या कहां पे मिल जाएगी, यार हमें प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दो। तो यार काफी सारे लोग ऐसे जरूर होंगे को यहां पर अपनी फेवरेट टीम के मुकाबले देखने होंगे, कुछ को यार टीम केकेआर को चेन्नई के अगेंस्ट खेलता हुआ देखना होगा, कुछ को आरसीबी के अगेंस्ट, तो कुछ को किसी और टीम के अगेंस्ट। अब वो चाहे ईडन गार्डन के ऊपर मुकाबला हो यानी होम मुकाबला या फिर कहीं और मुकाबला हो जो कि अवे मुकाबला हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिसेंटली केकेआर ने यहां पर बता दिया है कि वो अपने जो इस ऐप के थ्रू अपने टिकट्स रिवील कर रहे हैं, आप पोस्ट भी उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर जाकर देख सकते हो। खैर मैं आप सभी को बता दूं कि वो जब भी पोस्ट वगैरह या जब भी टिकट्स आते हैं तो जिस भी ऐप के थ्रू आते हैं आप उसमें ज़रूर अलर्ट लगा के रखो और आप ये मान के चलो कि जो वो अलर्ट आता है और उस बीच आप यहाँ पर जो ऐप खोलते हो तो वो जो मिली सेकेंड्स होते हैं चंद सेकंड होते हैं उसमें जो सबसे नीचे वाले स्लॉट्स होते हैं ना वो फुलफिल हो जाते हैं और जो महंगे वाले स्लॉट्स होते हैं दोस्तों वो इतने महंगे टिकट होते हैं कि वो दोस्तों लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मज़ा तो यार उनमें ही आता है बट वो सबसे पहले भर जाते हैं। तो आपके हाथ काफ़ी तेज होने चाहिए और आप अकेले नहीं कम से कम तीन चार दोस्तों को इस बारे में बोल के रखना। सो आप कौन कौन से मैच देखने जाओगे लाइव मैदान पर टीम केकेआर का जरूर कमेंट कर दो। अगली अपडेट आ रही है सुनील नारायण को लेकर। तो यार सुनील नारायण ने नारायण भगवान वाली परफॉर्मेंस दे दी है रिसेंटली। अब आप मान के चलो कि यार गली में भी खेलोगे तो भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस तो कैसे दोगे, क्योंकि यहां पर सात ही ओवर डाले सुनील नारायण ने, सातों के सातों मिड इन डाले और सात विकेट ले लिए। चलो सात ओवर में सात विकेट समझ आता है, दस के दस विकेट भी समझ आता है, बट सात मिड इन कौन डालता है यार, सात मिड इन। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि सुनील नारायण ने यह परफॉर्मेंस जस्ट आईपीएल से पहले दिखाई है तो समझ आ रहा है कि फॉर्म के अंदर है। लेट्स होप कि पंजाब को भी ऐसे ही बल्ले बल्ले बुरा कर देंगे। सो यार वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।